यह पावन पुण्य का अवसर प्रथम दिन ध्वजारोहण संपन्न हुआ है और भूमिका के रूप में बहुत सारी पंच कल्याण के दौरान मन वचन और काय की शुद्धि के बारे में जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की है। उसकी पुनरावृत्ति करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि दुर्लभ विषयक त्याग, दुर्लभ विषयक त्याग, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था गुरु नाम करुणाम बिना, गुरु की कृपा के बिना ऋषियों का त्याग संभव नहीं और गुरु की कृपा के बिना तत्व का दर्शन होना संभव नहीं और गुरु कृपा के बिना जीवन में सहजता आना भी असंभव अनिवार्य। आचार्य गुरुदेव टड़ा में विराजमान है, भोपाल में भानपुरा वहाँ पंच कल्याण संपन्न करके शिलवाणी वहाँ पर भी पंच कल्याण संपन्न करके टड़ा की ओर विहार कर चुके पहुँच चुके हैं। वहाँ से गुना के पंच कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुरु की कृपा के बिना ये कार्य न भूतो न भविष्यति वाली बात है। हम ये न समझे कि हम ये कार्य संपन्न कर रहे हैं, न मैं संपन्न कर रहा हूँ न आप संपन्न कर रहे हैं, किंतु गुरुदेव का आशीर्वाद ही हमारे लिए इस कार्य को संपन्न करने के लिए आया हुआ है। गुरु के विषय में प्रशंसा हम कहाँ तक कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, क्योंकि शब्दों का जो ही आलम्बन लेते हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति में भावों में कमी आ सकती है, किंतु भावपूर्ण जो भक्ति होती है वह मौन भी भक्ति की जा सकती है। और आप लोग इन 5-7 दिनों में बड़े शांति के साथ बिना शोरगुल के, शोरगुल तो होगा महाराज, वो तो दिव्य घोष तो बजेगा ही है, वो अलग वस्तु, किंतु अनावश्यक कार्यों में आप ज्यादा समय का अपव्यय न करें। महत्वपूर्ण जो कार्य यहाँ पर क्रियाएं होंगी उसमें समय पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करके इस कार्य को संपन्न करना है। तीर्थंकर भगवान कैसे बनते हैं इन दिनों में हम देख सकते हैं उस दृश्य को। यद्यपि तीर्थंकर स्वयं को होते हैं लेकिन ये ध्यान रखें वर्तमान जीवन की अपेक्षा से उन्हें स्वयं को कहा गया, किंतु अतीत जीवन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं निश्चित रूप से उन्हें जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वह गुरु का, समझ रहे हैं? हाँ, तीर्थंकर का पाद मूल बिना वहां पहुंचे, बिना पाद मूल के तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी संभव नहीं है। गुरु बनने के लिए गुरु का चरण सानिध्य अत्यावश्यक है और षोडश करण भावना के माध्यम से जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है पूर्व जीवन में और फलस्वरूप वो भी रत्नत्र के साथ बंध करके सर्वासिद्धि पहुंचे हैं और वहां से अवतरित होकर के वो तीर्थंकर हुए हैं।
उन्हें निर्वाण होकर के काफी समय व्यतीत हुआ है और आज तिथि के अनुरूप माघ कृष्ण चौदश के दिन उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई थी और इसी तिथि के दिन यहाँ पर 26 जनवरी तारीख भी संयोग बैठा है और आप लोग गणतंत्र दिवस भी मना लिया है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी भारत के लिए और समय कितना व्यतीत हुआ, 1947 और ये 2017 चल रहा है, लगभग 70 साल तो व्यतीत हो गए हैं। लेकिन बड़े विचित्र परिणाम है संसार का। एक केवल 5-7 मिनट के अंदर में एक प्रसंग आपके सामने रखकर के जिसे को पूर्ण करना चाहता हूं कि वस्तुतः भारत स्वतंत्र तो हुआ है और स्वतंत्रता दिलाने में किसका हाथ है आप सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। और वर्तमान में क्या स्थिति है भारत देश की अहिंसा के क्षेत्र में, अभी मंत्री महोदय के माध्यम से भी आप लोगों ने कुछ विचार सुने, उनकी धारणा क्या है। उन्होंने यहां तक व्यक्त किए अपने भाव कि अपने बदन पर यदि मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव तक नहीं आते, उसको कहीं धक्का न लग जाए। ये तो उन्होंने व्यक्तिगत अपने भाव व्यक्त किए, किंतु इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हो जाए तो मैं समझता हूं कि इस भारत देश को स्वतंत्रता जो मिली है उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। गुरु ने एक प्रसंग सुनाया था, वह ये है कि संसारी प्राणी की वृत्ति तो देख लो, अपने जीवन की चिंता तो करता है, अपने जीवन की रक्षा की बात करता है, किंतु दूसरे के जीवन की रक्षा की बात उसके भीतर नहीं आता। शायद वह प्रसंग लंदन का हो सकता है, हजारों की संख्या में पशुओं का पालन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर के आपको स्पष्ट बात समझ में आ सकती है। पशुओं का पालन तो किया है लेकिन भीतर जो लोभ की वृत्ति है उस वृत्ति से आपको ज्ञात हो जाएगा कि इनके भीतर कितनी करुणा है। करुणा का अभाव देखने में आ रहा है बंधु, ये ध्यान रखो। दुधारू पशुओं का पालन किया गया, पुष्ट पशु के सारे सारे हजारों की संख्या में, किंतु उनको जो पुष्ट बनाया गया है इसके द्वारा उनको मांस खिला करके पुष्ट बनाया गया है और इसलिए मांस खिलाया है, उनकी धारणा रही इस मांस के माध्यम से वह गायें पुष्ट होंगी और विशेष रूप से दूध हमें प्राप्त होगा, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने गायों को पुष्ट किया। लेकिन कर्म ही अपना प्रभाव डालता है, कितनी क्रूरता होगी उनके भीतर। उन गायों को पुष्ट तो बनाया है किंतु पशुओं का वध करके उनको मांस खिलाया गया है और उसके माध्यम से वो सारे सारे गायें पागल घोषित हो गए। आप सोचिए, सभी पशु पागल हो गए। समस्या ये खड़ी हुई
पागल हो करके अब क्या होगा, आदमी पागल न हो जाए इसलिए उनको जीवंत समाप्त किया गया है। सोचिएगा, उनको पुष्ट करने के लिए भी वध हुआ और वो पागल होने के कारण अपनी रक्षा के लिए उनको समाप्त किया गया, दफनाया गया है। इसलिए दफनाया गया कि वो सारा का सारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, अपने जीवन की रक्षा कैसे हो पाएगी इसको लेकर के ये कार्य हुआ। अब सोचिए, अहिंसा धर्म की जय बोलना बहुत आसान है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, बूढ़ा भी बोल सकता है, सारे सारे नारे लगा सकते हैं एक स्वर के साथ, किंतु इस नारों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ध्यान रखिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र जो है इसको चेतार्थ करने के लिए आज का समय आया हुआ और भारत को स्वतंत्र होकर के लगभग 70 साल व्यतीत हुए हैं और वह स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी प्राणी मात्र के लिए स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अपने जीवन की रक्षा तो बाद में करो, परोपकार की भावना जो नहीं रखता अपने भीतर उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखो। क्योंकि रक्षा किसी के द्वारा नहीं होती, निमित्त के अपेक्षा से भले ही दूसरे रक्षक आपके हो सकते हैं किंतु आपके भीतर यदि विशिष्ट पुण्य कर्म का उदय नहीं आता है तो आपकी रक्षा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आयु के आयु कर्म के ऊपर ये जीवन चलता है संसार प्राणी का, जब तक आयु है तब तक आपका जीवन है और आयु समाप्त होते ही जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है। समय अल्प होने के कारण हमने इतना ही भाव आपके सामने रखा है कि परोपकार की भावना को लेकर के इस प्रकार के शुभ अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में अहिंसा धर्म का प्रभाव कैसे होगा। जीवन में अहिंसा धर्म को हम अपनाएंगे और वो भी भीतर से अपनाएंगे तो इस प्रकार का आयोजन आपका सार्थक सिद्ध होने वाला है। और इसके लिए, इस आयोजन के लिए सानंद संपन्न हो इस पवित्र भावना के साथ गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। रिमोट कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वहां पर बैठे बैठे, हाँ ये ध्यान रखो, हम प्रभावना करने के लिए सामने आते हैं और हमारा प्रभाव पड़े इस प्रकार इंप्रेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, किंतु इंप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं, संप्रेषण की आवश्यकता। और गुरुदेव का संप्रेषण प्रतिपल यहां तक पहुंच रहा है और आवाग्रंथ इस दृश्य को देखकर के और समय समय पर भिन्न भिन्न विषयों पर देशना का श्रवण करके अपने कर्ण को तृप्त करेगा और इस नेत्र को भी सफल बनाने का पुरुषार्थ करेगा। समय आपका हो गया है और कल पंच कल्याण का प्रथम दिन है, गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध और उन क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे उत्तरार्ध भी होगा, जन्म भी होगा, वैराग्य भी होगा और दीक्षित होकर के केवल ज्ञान भी प्राप्त करेंगे प्रभु। और प्रातः प्रातः वेला में 1 फरवरी के दिन उन्हें निर्वाण की उपलब्धि होगी और उसके बाद क्या होगा ना हम कह सकेंगे ना आप कह सकेंगे, वो गुरुदेव के ऊपर आश्रित है। सारण संपन्न यह कार्य हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, परम पूजा चारू महाराज।